कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट इंदौर एवं नेताजी सुभाष मंच व अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन ने राजकीय बाल संरक्षण आश्रम छावनी मुराई मोहल्ला इंदौर में निराश्रित बच्चों के बीच दीपावली पर्व की खुशियां बांटकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बच्चों को कपड़े पटाखे चॉकलेट खिलौने वितरित किए। इस दौरान छोटे बच्चों ने कविताएं सुनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों के चेहरे की खुशियां देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में समाज सेविका शिक्षाविद श्रीमती सरिता शर्मा, समाज सेवी धीरज गर्ग व इमामुद्दीन तिगाला उपस्थित थे। अतिथि स्वागत कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश मानावत एवं संयोजक मदन परमालिया ने किया। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। आयोजक प्रकाश मानावत ने बताया कि कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट हर वर्ष दीपावली के त्योहार पर निराश्रित बच्चों, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में भी जाकर खुशियां बांटने का कार्य करता है। इस दौरान एडिशनल एसपी प्रशांत ओझा ने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि समाज के सक्षम लोग मिलजुल कर आश्रित एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो निश्चित रूप से त्योहार की खुशियां सभी के लिए सार्थक सिद्ध होंगी। इस अवसर पर रामचंद्र पवार, एहसान अली, शंकर पवार, अफजल कुरैशी, हर्ष राठौर, दीपक हाडिया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी मोनिक मालवी ने किया। अंत में आभार कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश मानावत ने माना। आपके मंच के सभी दर्शकों का मैं आभार साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ आयोजित किया और आज दिन के सभी हीरो हमारे से बच्चे हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए खुशी मनाएं और निश्चित ही ये बच्चे बड़े होकर को प्रयास करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये राष्ट्र की और समाज के लिए इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके संस्कार, जैसा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे रिस्पॉन्स कंपनी को जो जिनका बड़ा टर्नओवर देना पड़ता है, वैसे ही हम हर व्यक्ति के ऊपर भी जिम्मेदारी है जो होना चाहिए। वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बुजुर्गों के प्रति होना चाहिए, वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पीड़ित महिलाओं के प्रति होना चाहिए, बच्चों के प्रति होना चाहिए कि ये हमारे देश का भविष्य है। इनका हम जो बच्चा जिस भी स्थिति में, वो घर में है, घर से बाहर है, इस आश्रम में है, कहीं और है, कहीं काम बच्चों को टाफियां दिए, उपहार में पटाखे दिए, कपड़े भी दिए, दीपावली का अवसर है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अनमोल खुशी आज यहाँ दिखाई दे रही है? ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर संस्था के द्वारा आयोजित किया गया और बच्चों को कुछ कपड़े, कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ प्रदान की गई हैं। मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि सभी लोग मिलके खुशियाँ बांटें। दिवाली खुशियाँ सबके लिए होती हैं, दिवाली का प्रकाश सबके लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। साधुवाद देता हूँ मैं पूरी संस्था को कि इन लोगों ने यहाँ पर बच्चों के साथ आके खुशियाँ बांटी हैं, बच्चों को खुशियाँ शेयर करी हैं और निश्चित ही ये प्रोग्राम अपने संदेश देने में सफल होगा और निश्चित ही ये त्यौहार बच्चों के लिए खुशीपूर्ण होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें जो उनको आज मिली हैं तो उनके एक उत्साह, एक उमंग रहेगी और निश्चित ही हम सभी को इस प्रकार की चीज़ों में आगे आना चाहिए कि हम जो भी हमारा वनरेबल सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी का जो भी वनरेबल वर्ग है, उनके साथ सब लोग मिलके एक खुशियां शेयर करें और सब मिलके जो है उनके संवर्धन में काम करें। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर आपने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर जब हम खुशियां शेयर करते हैं तो हमारे मन में भी खुशियां आती हैं, अच्छा लगता है और यहाँ का माहौल देख के बड़ा अच्छा लगा और यहाँ के स्टाफ ने
बच्चों के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा है वो बहुत अच्छी सराहनीय पहल है और बच्चों का अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। घर की तरह वो उनके चेहरों पर खुशी, उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। निश्चित ही ये भी हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि कर्मवीर स्वामीकृत ट्रस्ट को नेताजी सुभाष मंच और कर्मशील जागरूक संस्था द्वारा आज विशेष तौर पर इन बच्चों के बीच में दिवाली मनाने का हमने संकल्प लिया था। सभी सामाजिक संस्था की ओर से आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माननीय प्रशांत चौबे जी की अतिथि में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष अतिथि के रूप में हमारे मैडम समाज सेविका श्रीमती सरिता शर्मा जी और विशेष अतिथि इमामुद्दीन तिगाला जी और साथ ही हमारे बीच में मदन परमालिया जी और कार्यक्रम के संचालनकर्ता हमारे मोनिक मालवी जी और एहसान भाई, शंकर पवार जी, रामचंद्र पवार जी, अफजल भाई, ये सभी साथियों ने हमने एक संकल्प लिया था कि हर बार हम इसे दिवाली पर्व अनाथ आश्रम में बनाते हैं। इसी कड़ी में आज भी हमने पूरे संस्था के सभी सदस्यों ने मिलकर आज अनाथ बच्चों के, विशेष बच्चों के साथ हमने दिवाली पर्व बनाया। साथ ही उन बच्चों को हमने फटाके, फल, कपड़े देकर उनकी खुशी में हमने शामिल होने के लिए एक अभियान के रूप में काम किया और ये दिवाली हम निरंतर आज जैसे अनाथ आश्रम में करा है, अगला हमारा कार्यक्रम गरीब बस्तियों में भी रहेगा। कुछ बुजुर्ग परिवार को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 तारीख को हम देने वाले हैं। दिवाली पर्व को हम खुशी के रूप में उन जरूरतमंद को, जैसे कोविड के कारण जो माता पिता जो शांत हैं, उन परिवार को भी हम एक दिवाली के रूप में उनके परिवार में जाकर उनको दिवाली बनाने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। पूरे संस्था के सभी साथी जाएंगे और उनको परिवार को जो भी खुशी में हम बन सकता है उसको हम खुशी में शामिल होकर प्रयास करेंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर अधिकारी भी खुश हुए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? विशेष तौर पर दिवाली तो हर कोई बनाता है, पर एक दिवाली अपन कहते हैं कि ऐसे परिवार के बीच में जो दिवाली मनाई जाती है, जो ईश्वर भी उसको मानता है, उसी रूप में आज अतिथि ने देखा है कि अंतिम व्यक्ति के जो परिवार के जो आज कोई नहीं उनके परिवार के लिए, आज ऐसी संस्था और हम सब मिलकर यह दिवाली पर बनाते हैं तो बच्चों पर जो खुशी आती है, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि समाज में एक ऐसी जनचेतना जाती है और समाज में इस प्रकार से समाज के काम में आदरणीय योगदान समाज का सभी का रहता है, तो निश्चित ही बच्चों पर खुशी जाहिर होती है।